हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंदर कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS Help। RS Help में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एडसेंस के बारे में। यूट्यूब जो एडसेंस है उसी के विषय में आज जानेंगे कि सबसे पहले ये कि एडसेंस में जो एड्रेस दिया जाए वो परमानेंट दिया जाए या प्रेजेंट एड्रेस दिया जाए, क्योंकि एडसेंस का पिन कहाँ पे आएगा सबसे बड़ा सस्पिशन यही रहता है। तो सबसे जहाँ पे आप हैं आप वहीं का एड्रेस दीजिए, ताकि वहाँ जो है आपको हाथों हाथ जो है वो पिन मिल जाए और आप उसको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं आप दे सकते हैं। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए जाएगा। एडसन पिन एक बार आता है, यदि दोबारा नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिर एड्रेस को चेंज करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि ये एड्रेस को भी चेंज कैसे करें और अपने यूट्यूब चैनल को हमेशा आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। क्या चीज़ का? कि CTR नहीं बढ़े, क्योंकि CTR सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर CTR बढ़ेगा तो इसको आपको मेंटेनेंस करना है। और एडसेंस कैसे चेक करते हैं, है ना, एडसेंस में जो एड्रेस वगैरह फिर से आपको चेंज करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद गूगल एडसेंस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका यहाँ के होम पेज में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये जो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मैनेज सेटिंग होगा। यहीं से हम अपना एड्रेस जो है यूट्यूब का जो एड्रेस डाले हुए हैं गूगल एडसेंस के लिए, तो यहाँ मैनेज सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो है वो मेरा पेज पूरा खुल के आ जाएगा। सही है ना, ये जो एडिट का दिया हुआ है इसको एडिट पेज पे आप जाइएगा और यहाँ से ये पेन वाला जो पेंसिल दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद है ना, अब हम CTR को चेक भी करेंगे कि हमारा CTR जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा होता है तो उसको कैसे हम मेंटेनेंस करेंगे CTR को। सही है, CTR के मेंटेनेंस के लिए यहाँ देखिए ये जो है यहाँ टुडे का क्लिक करेंगे तो ये देखिए टुडे का 15%, इसका मतलब जो पेज CTR जो है वो मेरा बढ़ गया है, इसको बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, ये हमेशा मेंटेनेंस करके रखने का है, है ना। तो इसके बाद एक दूसरा तरीका है, यहाँ 3 डॉट पे जाइए और 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका फुल पूरा वीडियो खुल के आएगा, है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ जो है ये थोड़ा सर्च कर रहा है और यहाँ जाने के बाद यहाँ क्लिक पे क्लिक कीजिए, है ना, और यहाँ जो है ये आपको कन्फर्म जो देगा वो देखिए CTR, ये मेरा CTR बहुत बढ़ गया है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसको जो है मेंटेनेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है वो सीधे बैक जाइए और इसका मेंटेनेंस का सबसे आसान तरीका है कि जिस वीडियो पे जो वीडियो आपका वायरल हुआ है या जिस पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, है ना, तो कुछ समय के लिए उसका जो है ये YT स्टूडियो में जा करके और चेक करेंगे हम कि ये किस वीडियो मेरा वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यू आ रहा है या सबसे ज़्यादा कौन लोग देख रहे हैं। सही है, तो ये देखिए यहाँ जो जाएंगे तो ये देखिए ये सबसे ज़्यादा ये, है ना, इस पर
मेरा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है इसको, इस वीडियो को। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से बैक जाएंगे और जो वीडियो पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उस वीडियो को यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको सेटिंग में जाएंगे, ये पेंसिल वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे और ये मोनेटाइज है यहाँ जा कर के, और इसका जो है ये एस्कीपल वीडियो ऐड को क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे और इसको भी नॉन एस्कीपल वीडियो को भी ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि कोई एक्स्ट्रा जा कर के यदि वीडियो पर क्लिक करता है तो वो एस्केपल एड्स जो है वो नहीं होगा। इससे जो है, इसके बाद आप देखिएगा आपका जो है वो ये CTR जो है वो डाउन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।